नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज फिल्म के बारे में जिसका नाम है भारत अधूरे। फिल्म के बारे में बताने से पहले मैं आपका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं इस फिल्म का। ये फिल्म 2012 में बननी शुरू हुई थी, लेकिन VFX बहुत है इस फिल्म में, स्पेशल इफेक्ट, जिसके कारण फिल्म काफ़ी लेट हुई। 2019 में रिलीज होने वाली थी लेकिन नहीं हो पाई कोविड के कारण। इस फिल्म को एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उसके जो निर्देशक है संजय पूरन सिंह चौहान, वो पहले भी अपनी पहली फिल्म लाहौर के लिए नेशनल अवार्ड ले चुके हैं। साथ ही गोवा फिल्म फेस्टिवल में इसको ICFT यूनेस्को स्पेशल मेंशन भी अवार्ड मिल चुका है। अगर बात करूं इस फिल्म की निर्माताओं की, तो इस फिल्म के जो निर्माता हैं वो हैं अशोक पंडित, साथ में हैं गुलाब सिंह तंवर, अनिरुद्ध तंवर और किरण डागर। फिल्म की जो कहानी है, अगर इसकी हम बात करें, तो ये जो फिल्म की कहानी है ये घूमती है आतंकवाद के इर्द गिर्द, की किस तरह पाकिस्तान से दो फिदाइन यहाँ आते हैं मुंबई, और आने के बाद वो किस तरह से ब्लास्ट करते हैं गेट्स ऑफ इंडिया पर, और उस ब्लास्ट में उनकी खुद भी मौत हो जाती है। जिसके बाद जो अब उनकी रूह है वो इंतज़ार कर रही है कि कब वो जन्नत में जाएंगे और जो भारत अधूरे हैं उनके साथ रूबरू होंगे। तो ये जो पूरी फिल्म है ये उस थॉट प्रोसेस पे है कि किस तरह जो यंगस्टर्स हैं उनको आतंकवाद की तरफ मोड़ा जाता है बहत्तर हूरों का लालच देके या जन्नत का लालच देके, उसके बारे में ये कहानी है। अब अगर बात करें फिल्म के कलाकारों की, तो मुख्य किरदार में इस फिल्म में आपको नजर आएंगे पवन मल्होत्रा और आमिर बशीर, और साथ में हैं पाकिस्तानी एक्टर राशिद नाज, जिनको आपने खुदा के लिए और बोल जैसी फिल्मों में देखा होगा। वो यहाँ मौलाना का जो किरदार है वो निभा रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो अब हम सीधे बात करेंगे फिल्म की खामियों और खूबियों के बारे में। तो सबसे पहले बात फिल्म की खामियों की, तो इस फिल्म की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि ये जो फिल्म है इसको क्रोमा पे शूट किया गया है। क्रोमा पे शूट होना खामी नहीं है, लेकिन हाँ, शूट के बाद जो विजुलाइजेशन होता है सीन्स का, जो डायरेक्टर संजय पूरन सिंह चौहान ने किया है, कुछ सीन्स, सारी फिल्म की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कुछ सीन्स में थोड़ा सा ऐसा लगता है कि जो दृश्य है वो स्टेज्ड है। कई बार स्टेज्ड जो चीज़ें होती हैं या उनको जिस तरह से एक अच्छी तरीके से दिखाने के लिए जिस तरह सजाया जाता है, तो कभी कभी नकली लगने लगता है। और अगर कभी कभी क्योस यानी कि हबड़ तबड़ में अगर उसको दिखाया जाए, जैसे कि अगर किसी के भागने का कोई सीन है, भगदड़ का सीन है, तो उसको अगर आप बहुत स्टेज करेंगे तो नकली लगेगा। तो ऐसे कुछ सीन्स हैं जहाँ पे मुझे लगा कि उनको स्टेज ना रख के थोड़ा क्योटिक रखा जाता तो बेटर होता और वो नकलीपन थोड़ा उसमें नहीं लगता। दूसरी खामी अगर मैं बोलूं तो वो मुझे थोड़ी सी ये लगती है कि जब फिल्म सेकंड हाफ में आगे बढ़ती है तो वो कहीं हल्का सा एक उसमें कॉमिक रिलीफ या मजाहिया जो मोड़ है उसको देने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से जो फिल्म की इंटेंसिटी है, क्योंकि ये फिल्म एक बहुत बड़ी बात कहती है, वो इंटेंसिटी कहीं थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। बस ये दो चीज़ें हैं जो फिल्म में मुझे लगती है। फिल्म जो है ये बहुत लंबी नहीं है, तो इसलिए ये भी मैं कहूँगा कि अच्छी बात है, और इसको खामियों के दौरान मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन खामियों की अगर मैं बात करूँ तो फिल्म की ये दो खामियाँ हैं जो मुझे लगती हैं। तो फिल्म की खामियां आपने सुन ली, और अब बात फिल्म की खूबियों की। तो फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है इसका थॉट। इसका विषय तो है ही, जो आतंकवाद मुद्दा है आज की डेट में पूरी दुनिया में, उसके अलावा जो थॉट है, जिस तरह से परसीव किया है फिल्म को निर्देशक संजय पूरन सिंह चौहान ने, वो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि ये सोचना अपने आप में कि दो लोग जो कि एक बॉम्ब ब्लास्ट करने आए और उनकी मौत हो जाती है, फिर उनकी रूहें जो हैं वो ढूंढ रही हैं कि कब बहत्तर रूहें आएंगी और उनको लेके जाएंगी, तो वो अपने आप में एक बहुत ही अलग सोच है और एक अलग नैरेटिव है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो मैं बोलूँगा वो है इस फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स, जो कि अच्छे हैं, और आपको कई जगह आपको लगता है कि अरे ऐसा सोचना है, इस तरह से दिखाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उनको अच्छी तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है। तीसरी चीज़ मैं बोलूँगा फिल्म की सिनेमाटोग्राफी। जब कोई भी फिल्म क्रोमा पे शूट होती है तो टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है उस फिल्म को उस तरह का वो देना, क्योंकि मुझे मालूम है पूरी फिल्म, जो भी दृश्य आप देख रहे हैं, पूरी पूरी फिल्म स्टूडियो में शूट हुई है, और उस तरह से उसको आपको दिखाना, जैसे सीलिंग के ऊपर अगर ये घोस्ट बैठे हुए हैं या फिर CST के ऊपर बैठे हुए हैं, तो अपने आप में एक मुश्किल काम है। और इसमें सिनेमाटोग्राफी बड़ी खूबसूरती के साथ, लाइटिंग जिस तरह से की है सिनेमाटोग्राफर ने, वो कमाल का काम है। साथ ही यहाँ पे इसके लिए तारीफ संजय पूरन सिंह चौहान की भी, निर्देशक की, क्योंकि मैं कहूँगा उन्होंने जिस तरह से सीनों की कल्पना की है या जिस तरह से वो सीन्स आपको दिख रहे हैं, वो आपको लगता है कि आप किसी एक अलग दुनिया में जा रहे हैं। और उसमें जो कहानी है, कहानी में सीन्स के साथ साथ बहुत कुछ सिम्बॉलिकली भी आपको दिखाने की कोशिश की है निर्देशक ने, जहाँ आपको लगता है कि जो दोनों के दोनों किरदार हैं वो किस तरह से कभी कूड़े के ढेर पर बैठे हैं, कभी कहीं और बैठे हैं, और उनकी जो व्यथा है वो आपको नज़र आती है।
इसके अलावा बात करूँ एक्टिंग की तो पवन मल्होत्रा, आमिर बशीर ने कमाल का काम किया है, राशिद नाज बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनका भी अच्छा काम है। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो फिल्म है, इस फिल्म को आप जाके देख सकते हैं, और मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार्स।